रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रही है और सभी फिल्मों को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। दोनों के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फिल्म की रिलीजिंग डेट एक बार फिर बदलने जा रही है। फिल्म 2.0 पहले दिवाली 2017 में रिलीज होने वाली थी, फिर रिलीजिंग डेट 26 जनवरी को की गई। अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, जिस वजह से इस फिल्म को आगे बढ़ाकर 14 अप्रैल कर दिया गया था, लेकिन अब चौथी बार फिल्म की रिलीजिंग डेट को टाला गया है। निर्देशक शंकर ने ट्वीट कर बताया कि जल्द ही हैदराबाद में फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2.0 अब 14 अप्रैल की जगह 1-2 महीने बाद रिलीज होगी। टीजर लॉन्च के दौरान ही फिल्म की रिलीजिंग की घोषणा भी की जाएगी। 450 करोड़ में बनी रजनीकांत की इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स करीब 16 करोड़ रुपए में बेचे जा रहे हैं, जबकि बाहुबली 2 के केरल डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। इस लिहाज से 2.0 ने अभी से रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। फिल्म में अक्षय कुमार और रजनीकांत के अलावा एमी जैक्सन भी लीड रोल अदा कर रही हैं। ये फिल्म दुनिया भर में 7,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होनी है। ऑस्कर अवार्ड विजेता ए आर रहमान ने फिल्म का संगीत दिया है।